पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को जो एक्सपो लगाया है, पटना ही क्यों चुना और आपको लग रहा है कि इसका फ़ायदा यहाँ का जो पोल्यूशन उस पर फर्क पड़ेगा? हमको लगता है पटना भी ग्रोइंग एक मार्केट है, जैसे सेक्रेटरी ने अपनी स्पीच में भी कहा था कि उन लोगों ने 25 बसों से एक रिस्क लेके स्टार्ट किया और अब धीरे धीरे जैसे उनको आइडिया लग रहा है कि PM इनको दे रहे हैं सब्सिडी उसके लिए, तो लोगों ने तुरंत 400 बसेस कर दिए। इसका यही मतलब है कि उनको वे सक्सेस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और इसीलिए वे टारगेटिंग यहाँ के मार्केट को, और वे एक्सपेक्टिंग कि यहाँ के लोग समझेंगे कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। जो पोल्यूशन लेवल है जो आजकल सब दिखता है, अभी कई कई बार तो दिल्ली से भी ज़्यादा दिखने लगता है कुछ खास इलाके में, तो ये जो मुहिम है इसको आप लोग जारी रखेंगे या जैसे एक्सपो लग गया फिर आगे कुछ करेंगे या बिहार के दूसरे छोटे शहरों में भी आप लोग जाएंगे? जैसे हमें रिस्पॉन्स यहाँ का लग रहा है, हमारे ये रिस्पॉन्स देख के हम लोगों ने ये एक्सपो एक दिन और बढ़ा दिया है। पहले से भी आज का था, पर जैसे लग रहा है जितने अच्छे लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, इसलिए एक दिन और बढ़ाया। इसी तरह धीरे धीरे अलग अलग शहरों में भी करेंगे ताकि उनको भी आइडिया लगे। एक्सपो का तो ये फायदा हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने दो गाड़ियाँ एक साथ ले ली, उसके अलावा बहुत सारे लोगों को चीज़ें पता भी चली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो लोग बात सुन सुन के आ रहे हैं, जो एक आदमी आया वो किसी और को बताएगा, वो तीसरे को बताएगा, ऐसे और लोगों को पता चलेगा इस चीज़ के बारे में, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। ऐसे ही लोग और नॉलेज बढ़ेगा लोगों का।